खबर बाड़मेर के समदड़ी से, जहां पर मजल और टीडस गांव के दो युवक का कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये दोनों युवक महाराष्ट्र के धारावी से समदड़ी आए थे। यहां स्क्रीनिंग के बाद दोनों को क्वारंटाइन किया गया था। अब इनकी जांच कोरोना पॉजिटिव आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सोमवार को जिला कलेक्टर विश्राम मीणा और SP आनंद शर्मा सहित आला अधिकारियों ने चेक पोस्ट का निरीक्षण किया और साथ ही मजल और ढीडस गांव को सील करवा दिया। वहीं सिवाना में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन और चिकित्सा महकमा अलर्ट मोड पर है। इसके चलते उपखंड अधिकारी प्रमोद सिरवी और जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कमलेश चौधरी ने समदड़ी में सरकारी छात्रावास का जायजा लिया। साथ ही कोरोना संक्रमितों को बालोतरा रेफर कर छात्रावास को सैनिटाइज करवाया। ओवरऑल देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि वैसे तो कुल मिलाकर के लगभग 27,000 लोग आ चुके हैं और लोगों का अराइवल अभी जारी है। हम सबसे यही अपेक्षा करते हैं कि वो अपना होम क्वारंटाइन करें, ताकि क्योंकि आप जानते हैं ज़्यादातर लोग महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और इनसे लौटे हैं और महाराष्ट्र बहुत बुरी तरह से संक्रमित है। आज भी देश में अगर सबसे ऊँचे पायदान पर है तो महाराष्ट्र है, तो इसलिए वहाँ संक्रमण की संभावना बहुत ज़्यादा है। वहाँ से आने वाले व्यक्तियों को भी, परिवारजनों को भी ये आश्वस्त होना चाहिए कि इन लोगों को क्वारंटाइन में करें। हम उसी तरीके से बाड़मेर में भी जो जांच है उसके काम को भी बढ़ा रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमारी मेडिकल जो कॉलेज है उसी में आप सैंपलिंग की जांच की सुविधा प्रारंभ हो गई है। लगभग पर डे हम 150 से 200 की जाँचें भी वहाँ से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जाँच का जो दायरा है वो भी बढ़ा है। अब तक लगभग 900 के आसपास जो सैंपलिंग है, 900 से अधिक सैंपलिंग हो चुकी है और कुल मिलाकर के आज के आंकड़े को अगर देख लें तो 7 लोग अब बाड़मेर में पॉजिटिव।